खबर राजधानी देहरादून से है, जहां विकास नगर जन संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष और जेएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने एक प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने कहा कि गत वर्ष उद्यान विभाग में हुए करोड़ों रुपए के घोटाले के मामले में भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी का माननीय उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर करवाना बहुत बड़ी साठगांठ की तरफ इशारा करता है। इसके आगे उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा बीते 11 नवंबर को घोटाले की CBI जांच के निर्देश देने से विभागीय मंत्री की नींद उड़ गई, जिसके चलते उन्होंने अपने करीबी निदेशक डॉक्टर बवेजा और अन्य भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल किए जाने का मन बनाया। और इसी क्रम में नेगी ने कहा कि जब उच्च न्यायालय ने सरकार की SIT जांच के बजाय CBI जांच के आदेश दिए, तो CBI जांच को मंत्री क्यों रोकना चाहते थे। नेगी ने कहा कि यह पहला मामला है जब मंत्री ने सरकार को गुमराह कर भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए उच्चतम न्यायालय में SLP दाखिल करवाई, जबकि हमेशा सरकार भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा कसने को न्यायालय की शरण लिया करती थी। पत्रकार वार्ता में मोर्चा महासचिव आकाश पवार, हाजी असद, डॉक्टर अविनाश बर्मन और प्रवीण शर्मा पिन्नी मौजूद रहे। उत्तराखंड से स्टेट हेड अवनीश जैन की रिपोर्ट। जो डॉक्टर बवेजा जी की पूरी टीम के द्वारा किया गया, उसमें जो विभागीय मंत्री है, कृषि मंत्री समझ लीजिए गणेश जोशी जी, उनकी सबकी मिली भगत से इस काम को अंजाम दिया गया। मजे की बात यह है कि उस तमाम घोटाले के बारे में, जब ये घोटाले का पर्दाफाश हुआ, उसमें सरकार ने SIT जांच के आदेश July 2023 में दिए और ये जांच चल रही थी, लेकिन सबको बताया SIT जांच में क्या हुआ था। तो इस मामले में एक जनहित याचिका दायर की गई और अक्टूबर 2023 में ऑनरेबल हाईकोर्ट ने उसको दरकिनार करते हुए SIT जांच को CBI जांच के सरकार को निर्देश देते, लेकिन ये विभागीय मंत्री गणेश जोशी को नागवार गुजरा और उन्होंने सरकार को बगैर बताए, सरकार की बगैर सहमति से उन्होंने SLP दायर करने का मन बनाया। जब SLP दायर करने के लिए उन्होंने न्याय विभाग से मत मांगा कि आप इसमें अपना रुख बताइए, तो न्याय विभाग ने स्पष्ट कहा कि SLP में जाने का कोई ठोस आधार नहीं है और सरकार अगर चाहती है तो अपने जोखिम पे कर सकती है, यानी ये बिल्कुल किसी भी सूरत में, क्योंकि भ्रष्टाचार का मामला था इसमें, सरकार SLP में जा रही है और इसको किसने भेजा, मंत्री गणेश जोशी जी ने सरकार को भी वहाँ फजीहत कराई SLP में जाकर के, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य। पर इससे स्पष्ट हो जाता है कि जो विभागीय मंत्री गणेश जोशी हैं और जो भ्रष्टाचारियों की ये जो तालमेल था, जो घालमेल था, जो इनका मिली भगत थी, ये सारा का सारा उजागर हो गया।